बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से लेकर अब तक लगातार युवा और बेरोजगार इस बात की चर्चा और सवाल खड़े करते हैं कि महागठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, समय समय पर इसको लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं। अब देखिए अलग अलग विभाग में, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में लगातार इस बात की चर्चा भी चल रही है और विभाग के तरफ से, अपने अपने विभाग के तरफ से मंत्री जो हैं वो उपलब्धियां और आने वाली जो चीज़ें हैं उसे बताते हैं। और इसी क्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बेरोजगारों के लिए, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, भवन निर्माण विभाग में बंपर बहाली को लेकर के विधानसभा में उन्होंने ऐलान कर दिया है। भवन निर्माण विभाग में किस तरीके से बहाली होगी, किन पदों पर बहाली होगी, चलिए हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं आपको। भवन निर्माण विभाग में 541 सहायक जूनियर इंजीनियरों और 1000 माली की बहाली होगी। मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिनों विधानसभा में इसकी घोषणा की। यह विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार को उत्तर दे रहे थे। भाजपा सदस्यों के वॉकआउट के बीच 4,721,47,00,000 के बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि 2,077 करोड़ की लागत से 29 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बक्सर और आरा इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन इसी साल अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले भवन का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही भवनों को बेहतर रखरखाव और सुनिश्चित की जा रही है। इस कार्य में IIT पटना, NIT पटना और BIT मेमरा के साथ मिलकर विभाग काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार पिछले 18 वर्षों में बिहार में महत्वाकांक्षी और सिग्नेचर भवन का निर्माण कर राज्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। इन भवनों में समग्र अशोक कन्वेंशन केंद्र, बापू सभागार, ज्ञान भवन एवं सभ्यता द्वार, अंतर्राष्ट्रीय बिहार संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर, सरदार पटेल भवन तथा दिल्ली के द्वारका में बिहार सदन आदि प्रमुख है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिनका अनुकरण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जन कल्याण विभाग की योजना के तहत 28 जगहों पर 720 वाले आवासीय विभाग विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 14 जगहों पर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के 520 क्षमता वाले आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सारे भवन भूकंपरोधी बनाए जाएंगे। आपको बताएं कि बिहार में लगातार इस बात की चर्चा चल रही है और साथ ही साथ आपको बताया कि पटना निर्माण कार्य में तेजी लाने को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। कार्य के लिए अब तक 2,320 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें 1,670 करोड़ राज्य सरकार तथा 650 करोड़ भारत सरकार द्वारा दिया गया है। विधानसभा में नगर एवं आवास विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के 5,664 करोड़ का बजट पास किया गया है। तब भवन निर्माण विभाग के तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है और जल्द ही इन पदों पर बहाली प्रक्रिया इसकी शुरुआत होगी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बजट सत्र में वाद विवाद में इस बात का ऐलान कर दिया है। तो आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हम लगातार आपको खबरों से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।